दोस्तों गुड इवनिंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा द होली पंचायत प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई और आपके बीए इंग्लिश ऑनर्स में। ये कहानी दो दोस्तों की है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। और कहानी का थीम मैं आपको पहले बता दूं, कहीं ना कहीं कहानी का थीम नंबर वन ये दिखाना कि जो जब हम पंचायत में पंच बनते हैं तो द गॉड स्पीक्स थ्रू द माउथ ऑफ पंच। तब हम किसी के खिलाफ पार्शियलिटी नहीं कर पाते, हम अपनों को फेवर करके दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। दूसरा, कहीं ना कहीं ये हमारी जो ग्रीड है, मानवीय जो ह्यूमन बीइंग्स का जो ग्रीड है उसको हाईलाइट करता है, उसको क्रिटिसाइज करता है। तो आए एक बार फिर कहानी को स्टार्ट करें। दो दोस्त हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, बहुत फास्ट फ्रेंड्स हैं। जुम्मन शेख अपनी वाइफ और अपनी आंट के साथ रहता है। आंट जो है उनका कोई नहीं था और वो बुढ़ापे में है, उनके पास कुछ ज़मीन का टुकड़ा है। वो कहती हैं, जुम्मन बेटा मैं इस ज़मीन का क्या करूँगी, तुम इस ज़मीन को अपने पास रख लो और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मुझे दो रोटी दिए जाओ। जुम्मन हाँ कर देता है और वो आंट के उसके साथ रहना शुरू कर देती है। अब कुछ समय तक तो सही चलता है, लेकिन बाद में जुम्मन शेख की जो वाइफ है और आंट है उनके बीच खटपट होनी शुरू हो जाती है। अब आंट कहती कि भाई तुम मुझे क्वालिटी ऑफ फूड नहीं देते हो या दाल में घी नहीं डालते हो। वो जुम्मन से इसकी शिकायत करती है और कहती कि जुम्मन या तो तुम मुझे कुछ पैसा दे दिया करो या फिर मेरी ज़मीन वापस कर दो। वो दोनों ही बातों को मानने से मना कर देता है और आंट जो है अल्टीमेटली परेशान होकर पंचायत जाने का मन बनाती है। आंट गांव के कुछ सीनियर लोगों से जाके इस बारे में अपनी शिकायत करती है, बताती है। इवन वो अलगू चौधरी से भी मिलती है जो इस समय पंच है, वो उसे बताती है। अलगू चौधरी शुरू में थोड़ा उसे सुनना नहीं चाहता क्योंकि जुम्मन से एक उसका मित्र है, पर वो उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है और कहती है कि तुम्हें अपनी कंसाइंस अपनी अंतरात्मा से काम करना है। जो जजमेंट जो पंचायत का दिन है वहाँ जुम्मन ने पहले से ही झाड़ू लगवा दी है, सफाई करवा दी है, कारपेट बिछवा दिया है, पान इलायची हुक्का तंबाकू सब का इंतजाम कर दिया है। वो कहीं ना कहीं पंचों को खुश कर रहा है ताकि उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाता है और जुम्मन शेख बिल्कुल कन्विंस्ड है कि अलगू चौधरी उसके फेवर में जाएगा, लेकिन जो पंच अलगू चौधरी है वो मामले को सुनने के बाद पाता है कि आंट के साथ गलत हो रहा है और वो जुम्मन शेख को कहता है कि भाई या तो तुम अपने तरीके ठीक कर लो या फिर आंट की जमीन उनको वापस कर दो। ये जुम्मन शेख के लिए बहुत ही शॉकिंग है और उस दिन से उन दोनों की दोस्ती टूट जाती है। जुम्मन शेख उससे बात करना बंद कर देता है। जुम्मन शेख फील करता है कि उसे उसके दोस्त ने सपोर्ट नहीं किया, चीट किया। समय बीत जाता है। अलगू चौधरी जो है वो दो बैल खरीद के लाया है। एक दिन उसका एक बैल असमय अकारण बिना किसी कारण के ही मर जाता है। उसको शक है कि जुम्मन शेख ने उसके बैल को जहर दिया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है ऐसा प्रूव करने के लिए। वो इसको प्रूव नहीं कर पाता है। एनीवे तो वो एक बैल का क्या करे, वो ये एक बैल जो उसके पास है उसको गांव के ही एक व्यापारी, गांव के ही एक मर्चेंट समझू साहू को बेच देता है। अब ये समझू साहू बहुत ही क्रूएल है, कंजूस है। वो इस बैल से एक महीने तक जम के काम लेता है, उसे ठीक से खाना नहीं देता है और इस तरह से बैल कमज़ोर हो जाता है। और जब एक दिन समझू साहू उस बैल को उस मार्केट से उस पर सामान लाद के ला रहा है तो मार्केट रास्ते में ही उसका वो बैल कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है और मर जाता है। समझू साहू को सारी रात वहीं गुजारनी पड़ती है और सुबह उठता है तो क्या देखता, उसका पैसा उसका सामान सब गायब। वो इस बैल को आलसी बताता है, मरा हुआ बीमार बताता है, वर्थलेस बताता है और अलगू चौधरी के पैसे देने से मना कर देता है। अलगू चौधरी को पंचायत में आना पड़ता है। अब अलगू चौधरी थोड़ा डरा हुआ है। कारण क्या है, अभी पंचायत का जो पंच है वो कौन है, वो जुम्मन शेख है। तो जुम्मन शेख जैसे ही मैटर शुरू होता है और जैसे ही जुम्मन शेख सरपंच की सीट पर बैठता है सडनली उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और वो पूरा केस सुनने के बाद में
अलगू चौधरी के फेवर में फैसला देता है। सच अ फेयर डिसीजन मेड ऑल ऑफ देम बिलीव दैट गॉड स्पीक थ्रू द माउथ ऑफ पंच। और जब वो नीचे उतर के आता है तो दोनों गले लग जाते हैं। अलगू चौधरी उसको थैंक यू बोलता है और शेख जुम्मन शेख भी अपने पुराने व्यवहार के लिए उससे माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि मित्र, जब मैं पंच बना और जब मैं तुम्हारे मैटर को सुन रहा था तो मैं गलत फैसला कर ही नहीं पाया, ये तो यहाँ पंच वाली सीट ही ऐसी है। और इसके बाद दोनों एक बार फिर बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। अगर आप इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो प्रेमचंद का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रेमचंद के इस लेसन से, डिस्कस हाउ प्रेमचंद क्रिटिसाइज ग्रीड इन दिस स्टोरी द होली पंचायत। यस, राइटर ने, लेखक ने, प्रेमचंद जी ने ज़्यादातर अपनी कहानियों को सोशल इश्यूज़ पे लिखा है, चाहे वो डोरी कस्टम हो, चाहे वो शराब पीने की या जुआ खेलने की बुरी आदत हो, या फिर वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, भाई भाई के बीच में लड़ाई और इस तरह के इश्यूज़ को ही वो ज़्यादा अपनी कहानियों में, सामाजिक इश्यूज़ को ही, सामाजिक समस्याओं को ही वो अपनी कहानियों में रेज करते हैं। यहाँ भी उन्होंने जो समाज में लालच है उसको दिखाया है। लालच आप देख सकते हैं, लालच यहाँ एक जुम्मन शेख का है शुरुआती स्टेज में, जब वो अपनी आंट को खाना, अच्छा खाना, अच्छा लुक आफ्टर देने से मना कर देता है। लालच यहाँ समझू साहू का है, जो उस बैल के साथ में, ना सिर्फ बैल, जानवर के साथ में क्रूएल है, इवन अलगू चौधरी को भी उसका सही पैसा देने से मना कर देता है। तो कहीं ना कहीं लेखक और इसके अलावा प्रेमचंद जी यहाँ जो पंचायत है उसकी जो वर्थ है, उसकी जो पवित्रता है, उसकी जो सैंक्टिटी है, उसको भी ऑफ कोर्स हाईलाइट कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेसन बिल्कुल समझ आ गया होगा। आपको किसी भी तरह की क्लासेस चाहिए एमए इंग्लिश से रिलेटेड, बीए इंग्लिश ऑनर्स से, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।